दोस्तों, एक्ट्रेस जैस्मिन बसीन को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। यह तस्वीर देखकर उनके फैंस डर गए हैं। जैस्मिन को आंखों से दिखना बंद हो गया है। दर्द से जैस्मिन चीख रही हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। खबरों के मुताबिक जैस्मिन इस समय काफी दर्द में है। जैस्मिन एक इवेंट के लिए दिल्ली में पहुंची थी। ई टाइम को दिए गए एक इंटरव्यू में जैस्मिन ने खुद बताया, मुझे नहीं पता कि मेरे लेंस में क्या दिक्कत थी। मैंने जैसे ही आंखों में लगाया तो मेरी आंखें जलने लगी और फिर दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, लेकिन मेरी वर्क कमिटमेंट थी तो मैंने इवेंट अटेंड करने के बाद डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। मुझे इवेंट में चश्मा पहनना पड़ा। टीम ने मेरी हेल्प की। एक टाइम के बाद मुझे कुछ भी दिखना बंद हो गया था। फिर रात में हम आंखों के डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैं मुंबई वापस आ गई। मैं यहाँ इलाज करा रही हूँ। जैस्मिन ने आगे बताया कि वो इस समय काफ़ी दर्द में हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। जैस्मिन को फिलहाल आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तेज दर्द की वजह से वो सो नहीं पा रही हैं। जैस्मिन के फैंस काफी डर गए हैं। फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।